जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होममेड रबड़ी फालूदा की रेसिपी। फालूदा लवर्स और रबड़ी लवर्स को तो ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आसान सी रेसिपी के साथ बहुत ही बढ़िया रबड़ी फालूदा आप घर पर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रबड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक हेवी बॉटम पैन में 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। अभी हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। तो अभी हमने गैस की फ्लेम को हाई रखा है और आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आया नहीं है, लेकिन इससे पहले भी हम इसे बीच बीच में इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे बर्तन के तले में ना लगे। तो जैसे ही इसमें एक उबाल आने लगेगा हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध इसकी क्वांटिटी में आधा ना हो जाए। और पकने के दौरान हमें चम्मच को बर्तन के तले तक लगाते हुए इसे चलाते रहना है और इसकी दीवारों पर जो मलाई लगी है उसे हमें इस तरह से तोड़ते हुए इसी में ऐड करते जाना है। तो इस तरह दूध की क्वांटिटी आधी होने तक हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 25 मिनट के लिए पका लिया। और यहाँ पर हमने इसे बीच बीच में इसी तरह चलाया था ताकि नीचे दाग ना लगे और इसके किनारों पर जो मलाई लगी हुई थी उसे भी हमने तोड़कर सेंटर में ऐड कर दिया। और इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देनी है चीनी। तो हमने 1 कप चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा रखना चाहते हैं तो चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। इसे मिला लेंगे और इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देनी है कस्टर्ड पाउडर की स्लरी। तो हमने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर को 4 से 5 टेबलस्पून पानी में पहले से घोल कर रखा हुआ है। स्लरी हमने पहले से बना कर रखी है, इसलिए हम इसे ऐड करने से पहले एक बार मिला लेंगे ताकि इसके नीचे जो कस्टर्ड पाउडर बैठ गया है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे ऐड करने के बाद हमें इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि चीनी इसमें पूरी तरह घुल ना जाए और इसमें एक गाढ़ापन ना आ जाए। वैसे तो रबड़ी बनाते वक्त कस्टर्ड पाउडर ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे इसका फ्लेवर भी इन्हांस हो जाएगा और हमें दूध को ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा। तो आप रबड़ी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और इतनी ही गाढ़ी हम इसे रखेंगे क्योंकि इसे ठंडा करने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। अब हमने इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर वनीला एसेंस की जगह इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसे मिला लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इस रबड़ी को रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद फ्रीज में रख देंगे। तो रबड़ी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद हमने इसे 4 घंटों के लिए फ्रीज में रख दिया और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब हम फालूदा सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्लास में ऐड करना है 2 टेबलस्पून सब्जे के बीज, जिसे तुकमलंगा के नाम से भी जाना जाता है। सब्जे के बीज को हमने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था और इसके बाद हमें इसमें ऐड कर देनी है फालूदा की सेव। तो हमने रेडीमेड फालूदा की सेव ली है, तो दोनों ग्लास में हमने 2 टेबलस्पून सेव ऐड कर दी। और अब हमें इसमें ऐड करना है रूह अफ़ज़ा। आप रूह अफ़ज़ा की जगह किसी भी रोज़ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फालूदा में रूह अफ़ज़ा या फिर रोज़ सिरप का भी एक अपना टेस्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना रूह अफ़ज़ा इसमें ऐड कर दिया। और अब हमने जो रबड़ी बनाकर रखी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल करके हमने जो रबड़ी बनाई है उसमें से आप इस तरह के 8 ग्लास फालूदा बना सकते हैं। और अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे, इससे इसे बहुत ही बढ़िया लुक मिलेगा। तो आपको हमारी होममेड रबड़ी फालूदा की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसे इस तरह से रूह अफ़ज़ा से गार्निश करने के बाद हम इसमें गार्निशिंग के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर थोड़ी सी बादाम और काजू लिए हैं। और इसी के साथ हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हमारा रबड़ी फालूदा बनकर तैयार है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।